2016 के जेई परीक्षा होने के बाद जिस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, आखिर उस तरह की एक नोटिस जारी हो गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई 2018 भर्ती के बारे में, इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेखपाल और पीईटी स्कोर कार्ड के बारे में। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। जब आप यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जो कि है UPSSC.gov.in, तो यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा जेई से संबंधित पहले नोटिस। जेई वाले नोटिस में ये बताया गया है कि जिन लोगों के नाम में, फोटो में, जेंडर में कोई गड़बड़ी है, उनको करेक्शन करने का एक नया मौका दिया जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जाम ना कराने का मतलब एग्जाम को टालने का एक नया फार्मूला है, क्योंकि अगर आयोग चाहा होता तो जब इसमें ईडब्ल्यूएस का आवेदन हो रहा था तभी ये भी हो गया होता। उसी करेक्शन में सबके लिए फार्म ओपन कर दिया गया होता और सभी लोग अपना कर लेते। लेकिन यहाँ पे एग्जाम डेट को पोस्टपोन करने का एक नया तरीका अपनाया गया है जेई वाले में। तो सबसे पहले हम जेई के ही बारे में बात करते हैं, बाद में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए। जेई वाले के लिए ये देखिए, ये जो नोटिस है 21 दिसंबर को जारी हुई है, इसमें कहा गया है कि जो 2018 की परीक्षा है, इसमें जिन अभ्यर्थियों के फोटो, हस्ताक्षर, जेंडर में कोई गड़बड़ी पाई गई है, उनकी सूची आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। आज से लेकर के मतलब कि 21/12/2021 से लेकर के 27/12/2021 तक, मतलब कि 5 से 6 दिनों तक आपको एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस अवसर का लाभ उठाते हुए इनमें से अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे सही कर दें। इसके बाद में आपके किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ये लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं, तो आपको जाना होगा वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। यहाँ पे देखिए, ये 2018 जेई का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सी ऑब्जेक्शन लिस्ट वाले पे आपको क्लिक करना होगा। इस समय अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ओपन नहीं हो रही है। थोड़ी देर में जब ये वेबसाइट सही हो जाएगी तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी। उसमें आपको अपना नाम और पिता का नाम सर्च करना होगा। अगर आप दोनों का नाम सर्च है तो आपको सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जेंडर भरना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी, आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपका जो भी गड़बड़ी होगी आपको वहीं मिलेगा, आप उस गड़बड़ी को सही कर लें। तो ये रही जेई से संबंधित अपडेट। अब बात करते हैं पीईटी के लिए। तो पीईटी का जब रिजल्ट जारी हुआ था तो वहाँ पे कहा गया था कि कुछ लोगों के रिजल्ट प्रोविजनल जारी किए गए हैं, मतलब कि उनका रिजल्ट को अभी आयोग चेक कर रहा है कुछ गड़बड़ी की वजह से। तो रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर बाद में कहीं आप में कोई गलती पाई जाती है तो हो सकता है कि आपका जो आवेदन है उसे रद्द कर दिया जाए। तो उसको लेकर के जो एक नई अपडेट जारी की गई है, ये आप देख सकते हैं, शुद्धि पत्र है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला वाली भर्ती के लिए। लेकिन यही जो रूल है यही फॉलो होगा आपके आने वाले लेखपाल भर्ती में। इसमें कहा गया है कि पहले ही लोगों से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इनका जो कट ऑफ होगा आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के रिजल्ट में UI लिखा गया है, मतलब कि जांच के अधीन, अंडर इन्वेस्टिगेशन, उनको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, चयन प्रक्रिया में आगे बुलाया जाता है, तो जो भी होगा उनका रिजल्ट निर्णय के अधीन होगा, मतलब जांच के अधीन होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कई सारे लोगों के जो PET रिजल्ट जारी हुआ था उस पर UI लिखा हुआ था। तो अगर आपके भी PET स्कोर पे UI लिखा गया है तो आप ये समझ जाइए कि आप जांच के दायरे में हैं। भले ही आपको मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए, लेकिन तब भी जो भी आप वहाँ पे रिस्पांस करेंगे सब कुछ जांच के अधीन होगा। यही है फिलहाल स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए। और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए वही लेखपाल वाली भर्ती में भी अपडेट होगा। अगर हम बात करें कि लेखपाल भर्ती कब तक आ सकती है, तो लेखपाल भर्ती आपको इसी महीने के अंत तक देखने को मिल सकती है। भले ही इसका परीक्षा चुनाव के बाद होगा, लेकिन विज्ञापन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।